मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। वाल्मीकि नेता विपिन मनोठिया के हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए आज सफाई कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इससे पूर्व सफाई कर्मचारियों ने शहर घंटाघर से कमिश्नरी तक जन आक्रोश पदयात्रा भी निकाली। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वाल्मीकि नेता विपिन मनोठिया पर हमला भाजपा विधायक सोमेंद्र तोमर के इशारे पर किया गया है, लिहाजा विधायक समेत सभी हमलावरों की जब तक गिरफ्तारी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। बताया गया कि बीती रात वाल्मीकि नेता विपिन मनोठिया के घर पर पुलिस ने भी दबिश दी थी, लेकिन मनोठिया हाथ नहीं आए। इस पर पुलिस नोटिस देकर चली आई। दरअसल बीती 10 फरवरी को मतदान के दौरान मेरठ के शास्त्री नगर के ब्लॉक स्थित विद्या मंदिर के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विपिन मनोठिया को पकड़कर लेटा लेटा कर पीटा था, जबकि सपा प्रत्याशी आदिल चौधरी वहां से भाग निकले थे। इन लोगों का कहना है कि फर्जी वोटिंग की शिकायत पर वे वहां पहुंचे थे, लेकिन तभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोल दिया। इस पर इशू भड़ाना, शंभू पहलवान, ललित मोरल और सागर पोसवाल को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आज मेरठ कमिश्नरी पर सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। यहां एसपीसीटी व विधायक सोमेंद्र तोमर के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। योगी मोदी, क्यों बद्दुआएं ले रहे हो मोदी जी? योगी जी, ये तुम्हारा राम राज है, वाल्मीकि पिटता है और तुम हंसते। अरे भाजपा विधायक, भाजपा के अध्यक्ष, तुम सामने क्यों नहीं आते? तुम सामने नहीं आओगे, मोहरा बनाओगे केवल वाल्मीकि समाज के लोगों को, वो विरोध करेंगे सपा भाजपा का झगड़ा, सपा भाजपा का झगड़ा। साथियों, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, ये सपा भाजपा का नहीं, ये भाजपा वाल्मीकि का झगड़ा है, क्योंकि 60 लोगों ने मिलकर एक वाल्मीकि को पीटा है। अगर सपा के 10 लोग और होते वहां पे, लड़ाई आमने सामने को जब मान लेते, सपा भाजपा का झगड़ा था, लेकिन वाल्मीकि एक था और मारने वाले 60 थे। लेकिन विपिन मनोठिया उस शेरनी का दूध पिए हुए है जो 60 पर भारी था, जो 60 पर भारी था। साथियों, अभी हमारा धरना कमिश्नरी पार्क में चलेगा, वहीं बैठ के निर्णय लिया जाएगा आगे हमें क्या करना है, प्रशासन तुम रहेगा या हम रहेंगे। इस मौके पर वाल्मीकि नेता विनोद कुमार बेचैन ने यह जानकारी दी। विनोद कुमार बेचैन मेरा नाम है, अखिल भारतीय सफाई मंत्र कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री, जो कि पूरे देश के ट्रेड यूनियन है, वाल्मीकि संघ मोर्चा का संयोजक हूँ। जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है, विपिन मनोठिया को 10 तारीख को 60-70 भाजपा गुंडों ने सड़क पर गिरा गिरा कर पीटा, उसे मारा, सोमेंद्र तोमर ये सारे पर, वाल्मीकि समाज क्योंकि बाबा साहब का अनुयायी है, इसलिए पूरे संविधान को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 12 तारीख को डीएम साहब को ज्ञापन दिया हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग करने के लिए, 16 तारीख को कमिश्नर पर धरना दिया, फिर हमने ज्ञापन दिया, जो ज्ञापन आईजी, एसएसपी और कमिश्नर साहब को संबोधित था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद 22 तारीख को फिर एसपीसीटी से हम लोग मिले और एसपीसीटी ने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं उन्हें गिरफ्तार नहीं करूँगा, चाहे आप कुछ कर लें। अब ये लड़ाई हमारी आखिर तक चलेगी, हमारा यहाँ धरना शुरू होगा। हमारी मांग है विपिन मनाठे के हत्यारों को, हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उन पर एससीएस लगाई जाए, जान से मारने का जो उन पर जो है मुकदमा कायम किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए, और इस मामले का पूरा सुधार जो तोमर है उसे भी जेल में भेजा जाए। अगर पूरी नहीं मांग होती हम लोग धरने बैठेंगे यहाँ पर, हम लोग आंदोलन शुरू कर दिया हमने, आज से भी अनिश्चितकालीन आंदोलन है, काम भी बंद होगा पूरे प्रदेश के अंदर, सफाई का चक्का जाम भी होगा, धरने भी होंगे, प्रदर्शन भी होंगे, लेकिन चरणबद्ध आंदोलन होगा। विपिन मनोठिया को गिरफ्तार करने के लिए आज आंदोलन होना था, तो पुलिस प्रशासन क्योंकि योगी जी के गुलाम है, समय गुलामी कर रहे हैं, इसलिए हमलावर को नहीं पकड़ने गए। रात को 11 बजे विपिन मनोठिया घर पर दबिश दी उसे गिरफ्तार करने के लिए। मैं कह रहा हूँ गिरफ्तार करना, मुझे गिरफ्तार करें, मैं संयोजक हूँ, वाल्मीकि संघर्ष समिति का संयोजक विनोद कुमार बेचैन मेरा नाम है इस आंदोलन में। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।